हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम यू इन दिस 23rd लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the bronze and its properties and application. We also learned about the various types of bronze. We also learned about various bronze and their properties and applications. I hope that you have revised all the notes and prepared it. The learning outcomes are: after completion of this lecture, you are able to describe the properties and applications of aluminium, describe the composition, properties and applications of various types of aluminium alloys. These are the program outcomes which are to be going to achieve after completion of this lecture. तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अभी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है यह आप सभी ने देखा हुआ है, एल्यूमिनियम जो है स्टील के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल वर्क के लिए एप्लीकेबल जो मेटल है, दैट इज नथिंग बट द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज वेरी कॉमन कंपोनेंट एंड 8% ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट में 8% जो रहता है, दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो ओर है दैट इज बॉक्साइट। इसका जो सिंबल है, जो हम लिखते हैं एल्यूमिनियम को, Al, ये पेपर में आया हुआ है एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है? 13। एक लेक्चर पहले हमने देखा था एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, याद करिए क्या था तो। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, 13। इसका एटॉमिक वेट है 26.9815, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 660.45 डिग्री सेंटीग्रेड। द थर्ड मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑकरिंग ओनली एज ए कंपाउंड प्रिंसिपली इन अ बॉक्साइट। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाइट मेटल and shows brilliant luster when fresh. ये white color जैसे दिखता है, luster करता है, चमकता है एकदम fresh जैसे। Lightest among all industrial metals, सबसे हल्का है ये, lightest है। High electrical and thermal conductivity. इसके जो tensile strength है वो है 900 kg per cm². डक्टाइल है, वायर बनते इसके, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी शेप, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके लिए दूसरा नाम है फॉर्मेबल, ये फॉर्मेबल है। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब जो मॉइस्चर वाली एयर है, एल्यूमिनियम फॉर्म ए थिन फिल्म ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो एक बारीक जो परत है ऑक्साइड की वह उसके ऊपर बन जाती है, और उसके कारण जो एल्यूमिनियम है यह बहुत ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट बनता है। फॉर्म एक्सलेंट अलॉय विथ नंबर ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक, कॉपर, निकेल, क्रोमियम एंड मैग्नीज। ये किसी भी मेटल के साथ इसका अलॉय अपन कर सकते हैं, और ये बहुत सारे अलॉयज बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले एल्यूमिनियम का जो है सबसे ज्यादा जो यूज है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होता है, आफ्टर स्टील सेकेंड मोस्ट मटेरियल फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, फ्रेम, रेलिंग्स, रूफिंग मटेरियल, बिल्डिंग, डोर्स, विंडोज, गेट्स, वाटर रिजर्वायर, वेंटिलेटर एंड हीटिंग।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टील के बाद दूसरे नंबर पे है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यूज होता है, और आपका आंसर रहना चाहिए एल्यूमिनियम। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ड्यूरेलियम नाम का जो अलॉय है एल्यूमिनियम का, वह एयरप्लेन्स बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि रेलवे की बात आती है, तो अगर रेलवे की वैगन्स को अगर बनाना है, उसके बॉडी के जो प्रोडक्ट बनाने हैं, उसका फैब्रिकेशन करना है, तो हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जैसे बात हो रही है, तो ट्रक्स और बुशेस की जो नीचे की परत रहती है, उनके लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि वायर्स है, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब वायर्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गए, उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। केमिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम की टैंक्स, कंडेंसर्स, हीट एक्सचेंजर, कंटेनर्स और एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं। कुकिंग यूटेंसाइल्स मतलब घर के जो बर्तन है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी रहती है, तो जो कुकिंग करने के जो वेसल्स रहते हैं, उसके लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सम अलॉयज आर कंसिडरेबली रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियर रेडिएशन। एल्यूमिनियम जो है न्यूक्लियर रेडिएशन को रेजिस्ट करता है, तो जो भी यूरेनियम के जो रॉड्स है, उसकी अगर हमें शीदनिंग करनी है, तो हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सो दीज आर द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। इस पिक्चर से आपको आइडिया आ जाएंगी कि एल्यूमिनियम कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है या मेटल है, जो हमारे डेली या इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी काम में आता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स की जो बॉडीज रहती है, जो आपको यहाँ पे पहली वाली फिगर में दिख रही है, एयरक्राफ्ट जो रहते हैं, या घर के जो यूटेंसिल्स रहते हैं, बर्तन रहते हैं, या विंडोज जो रहती है, इन सभी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप्स के एल्यूमिनियम अलॉयज को देखते हैं। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूरेलियम, वाई अलॉय, हिंडालियम और मैग्नीलियम। तो ये चार जो अलॉयज है, ये एल्यूमिनियम के अलॉयज है, जिसमें एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वह ज्यादा रहती है। चलो दोस्तों, तो हम एल्यूमिनियम अलॉय का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वह है ड्यूरेलियम। तो ड्यूरेलियम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ड्यूरेलियम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। तो ड्यूरेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरेलियम और ड्यूरल। इट इज इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रॉट अलॉय। इसका कंपोजिशन आपने याद करना है कि इसमें 94% एल्यूमिनियम रहता है, 4% कॉपर रहता है, और 0.5% ईच है। ये 0.5% ईच है कि जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और आयरन, यह 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 में रहता है। ओके, इसके हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो ड्यूरेलियम जो रहता है, इट इज फोर्ज एंड स्टैम्प, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट हार्डन स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू रूम टेम्परेचर। जैसे ही इसको हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ावा देते हैं, तो ये हार्ड बन जाता है। द अलॉय इज सॉफ्ट इनफ फॉर वर्केबल पीरियड आफ्टर इट हैज बीन क्वेंच। ये सॉफ्ट भी है। द टेम्परेचर एम्प्लॉयड फॉर द सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट ऑफ अलॉय इज द लोवेस्ट दैट इज एप्लीकेबल फॉर ए कमर्शियल लाइट अलॉय। ये बहुत हल्का रहता है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट में ज्यादा यूज होता है। इसको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.8 है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 है, इससे हम क्या समझते हैं कि ये पानी से सिर्फ 2.8 टाइम्स वेटेड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स से वेटेड है, इसलिए इसका यूज हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में करते हैं, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो आई होप आपको कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी।
चलिए दोस्तों, अब हम उड़ान भरने के लिए रेडी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पे एक एयरप्लेन, तो आपको समझ में आया होगा कि ड्यूरेलियम कहाँ पे यूज होगा। देखते हैं हम ड्यूरेलियम के एप्लीकेशंस। सबसे पहले, इट इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, बार्स, रॉड्स फॉर द स्क्रू मशीन प्रोडक्ट्स। इट इज यूज इन हेवी ड्यूटी फोर्जिंग्स, व्हील्स, प्लेट्स, एक्सट्रूजन, एयरक्राफ्ट फिटिंग्स, स्पेस बूस्टर टैंकेज, ट्रक फ्रेम्स एंड अदर सस्पेंशन कंपोनेंट्स। यस, इट इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, ट्रक वेसल्स, स्क्रू मशीन प्रोडक्ट्स, रिवेट्स एंड अदर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। इट इज यूज फॉर शीट फॉर ऑटोमोबाइल पैनल्स। इट इज यूज फॉर फोर्जिंग्स इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, पिस्टन्स, इंपेलर्स ऑफ द जेट इंजिन, सैंड एंड कंप्रेसर रिंग्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डाइज एंड हैंड फोर्जिंग। सो माई डियर फ्रेंड्स, दीज आर द टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ ड्यूरेलियम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ड्यूरेलियम इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, राइट? बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेटेड, वेरी लाइट वेटेड। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी हम दूसरा एल्यूमिनियम का अलॉय देखते हैं, जिसका नाम है वाई अलॉय। देखिए, वाई अलॉय, इसका जो टिपिकल कंपोजिशन है वह है, इसमें 92.5% एल्यूमिनियम रहेगा, 4% कॉपर रहेगा, 2% निकेल रहेगा और 1.5% मैग्नीशियम रहेगा। तो आपको ये टिपिकल कंपोजिशन जो है याद करना है। इस वाई अलॉय को हम कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय भी बोल सकते हैं, बराबर है? और इसमें हम अगर कॉपर को ऐड करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी भी बढ़ती है। चलो दोस्तों, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिनियम से भी अच्छी रहती है। इट रिटेन इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर। कितना भी इसको तपाया जाए तो इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी असर होता नहीं है। इसको हम इजीली कास्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम हॉट वर्किंग नाम की जो प्रोसेस होती है वो भी कर सकते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ये उष्णता को बाहर लेके जा सकता है। इसलिए जो हीटिंग कॉइल्स है, पानी गर्म करने के लिए जो कॉइल्स यूज करेंगे वह हम वाई अलॉय से बना सकते हैं। इसकी मैकेनिकल और शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है? टफनेस होती है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और इसका लो थर्मल एक्सपांशन है, मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए इसका लेंथ जो है वो बढ़ता नहीं है। हम इन मैकेनिकल इंजीनियर को ध्यान में रखते हुए वाई अलॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे मैकेनिकल इंडस्ट्री में। आई होप आप सभी को ये प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं वाई अलॉयज के क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहले तो वाई अलॉय जो है, यह पिस्टन सिलेंडर हेड्स बनाने के लिए और क्रैंक केसेस, आईसी इंजन के जो क्रैंक केसेस है वह बनाने के लिए यूज होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पिस्टन सिलेंडर और आईसी इंजन के जो क्रैंक केसेस है कौन से अलॉय से बनते हैं, तो वाई अलॉय से बनते हैं। इट इज यूज फॉर डाई कास्टिंग, पंप रॉड्स इन स्पार्किंग चीजल्स इन प्लेस ऑफ स्टील। यहाँ पे भी देखिए, स्पार्किंग चीजल का भी आया था और पिछले लेक्चर में भी स्पार्किंग चीजल आया था। दोनों ऑप्शन रहेंगे तो बोथ ऑफ देम कर लेना। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द एयरक्राफ्ट इंजिन। एयरक्राफ्ट इंजिन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका एयरक्राफ्ट का इंजन है, ये आपका पिस्टन और पिस्टन है यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? इसके लिए जो यूज होता है दैट इज नथिंग बट ए वाई अलॉय। नेक्स्ट अलॉय जो है वह है हमारा हिंदालियम। तो हिंदालियम क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि हिंदालियम जो अलॉय है ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और क्रोमियम और सिलिकॉन का, रे बाप रे, पांच पांच एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम एंड सिलिकॉन। हिंदालियम के अंदर 5% कॉपर रहता है, 1.5% निकल रहता है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज, हिबोनियम, एसबी, कोबाल्ट एंड जिरकोनियम। इट इज द ट्रेड नेम ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय प्रोड्यूस बाय
हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। ये नाम किसने दिया इसको? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, यूपी में इसका प्रोडक्शन किया गया था, इसलिए इसका नाम है हिंदालियम। इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हिंदालियम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, इसके ऊपर स्क्रैचिंग नहीं होती है, अच्छी फिनिशिंग है, डू नॉट एब्सॉर्ब मच हीट, द सेव फ्यूल व्हाइल कुकिंग। कुकिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब नहीं करता है। इसको इजीली हम क्लीन कर सकते हैं। ये एसिड के साथ जो हमारा खाने में से जो फूड में से एसिड आते हैं इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसकी जो कॉस्ट है वो 1/3 है स्टेनलेस स्टील से, ये 1/3 सस्ता है। अगर स्टेनलेस स्टील 30 रुपए की मिलेगी तो हिंदालियम आपको 10 रुपए में मिलेगा, ये सस्ता है। तो आई होप आपको हिंदालियम की प्रॉपर्टीज और उसके कंपोजिशन जो है वो समझ गया होगा। अभी हम दोस्तों हिंदालियम के एप्लीकेशंस देखते हैं। तो हिंदालियम का जो यूज है, जो एरो इंजिन से मतलब एयरक्राफ्ट के इंजिन से या स्पेसशिप है या हेलीकॉप्टर्स के जो इंजिन से, उसके लिए हम हिंदालियम का यूज कर सकते हैं जो कि हमें सर्विस देते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाउसहोल्ड एनोडाइज यूटेंसिल्स, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि हाउसहोल्ड एनोडाइज यूटेंसिल्स के लिए कौन सा अलॉय यूज होता है? हिंदालियम यूज होता है। और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स को भी बनाने के लिए हम हिंदालियम का यूज करते हैं। तो दीज आर द सम टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ हिंदालियम। नेक्स्ट अलॉय देखते हैं एल्यूमिनियम का, दैट इज मैग्नीलियम। तो मैग्नीलियम जो अलॉय है वह एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मेल्ट करके, कहाँ पे मेल्ट करेंगे उसको? वैक्यूम में मेल्ट करेंगे और उसको ठंडा करने के बाद उसको प्रेशर करेंगे हम 100 से 200 बार का। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को हम मेल्ट करेंगे वैक्यूम के अंदर और उसको कूल कर देंगे अंडर प्रेशर ऑफ 100 टू 200 बार तक। मैग्नीलियम जो अलॉय है वो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल और टीन का अलॉय है। मैग्नीलियम जो अलॉय है जिसमें 5% मैग्नीशियम और 95% एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहेगा विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, निकेल, टीन, आयरन, मैग्नीज और सिलिकॉन रहेगा। कुछ इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नीलियम लाइट वेटेड है, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वह 200 मेगापास्कल है एनाइल स्टेट में, और अगर वो कोल्ड वाटर स्टेट में देते हैं तो 280 मेगापास्कल है। इसका 30% इलॉन्गेशन होता है और 7% कोल्ड वर्क में होता है। ये थोड़ा ब्रिटल मटेरियल है, इसकी कास्टेबिलिटी पुअर है। कास्टेबिलिटी पुअर है मतलब क्या होता है? इसकी कास्टिंग अपन कर नहीं सकते। मशीनेबिलिटी काफी अच्छी है और वेल्ड भी कर सकते हैं इसको अपन। तो दीज आर द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीलियम। अभी देखते हैं हम मैग्नीलियम के एप्लीकेशन। तो मैग्नीलियम जो है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है। जैसे कि इसका और एक एग्जांपल है कि गियर बॉक्स के जो हाउसिंग्स रहते हैं वहां पे हम मैग्नीलियम का यूज कर सकते हैं। और मैग्नीलियम का यूज हम व्हीकल के डोर हैंडल्स, लगेज की रैक्स, कॉफी ग्राइंडर पार्ट्स में कर सकते हैं। या ऑर्नामेंट्स अगर बनाने हैं, ज्वेलरीज अगर हमको बनानी है तो वहां पे मैग्नीलियम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ हैंडल, कॉफी ग्राइंडर और ऑटोमोबाइल की जो बॉडीज है उनके लिए हम मैग्नीलियम का यूज करते हैं। तो दीज आर द यूनिट आउटकम वी आर अचीव्ड। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज। रिव्यू कर लेते हैं हम इस चैप्टर में, हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्या रहता है, एल्यूमिनियम की क्या विशेष प्रॉपर्टीज है, उसके क्या विशेष एप्लीकेशंस है, एल्यूमिनियम अलॉयज क्या है, कौन से एल्यूमिनियम अलॉयज है, जिसमें हमने देखा ड्यूरेलियम के बारे में पढ़ा, वाई अलॉयज पढ़ा, हिंदालियम पढ़ा एंड मैग्नीलियम पढ़ा। और ये प्रोग्राम आउटकम्स है जो हमने अचीव किए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। These are the most commonly used
एमएसबीटी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको दो या तीन क्वेश्चन एमसीक्यूज देके जाना ही जाना है। तो सभी क्वेश्चंस, इन सभी के प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन और कंपोजिशंस आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेयरिंग मटेरियल। तो दोस्तों, यू ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।